जालंधर के वार्ड नंबर 1 के अधीन आते न्यू इंदिरा कॉलोनी में इलाकावासी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इस सिलसिले में इलाकावासियों की ओर से कई बार नगर निगम के उच्च अधिकारियों और वार्ड में तैनात इंचार्ज को फोन पर व लिखित रूप में शिकायतें भी दी गई, लेकिन फिर भी समस्याओं का हल नहीं निकला। कॉलोनी में पिछले 3 दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा था, जिसके बाद जब पानी आना शुरू हुआ तो उसमें सीवरेज का पानी मिला होने से उसमें से दुर्गंध आने लगी। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए इलाका वासी शंकर लाल ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी में पिछले 3 महीने से पीने के पानी की दिक्कत आ रही है। इस सिलसिले में कई बार सुप्रीडेंट अश्विनी गिल, एक्सीएन अनुराग महाजन, जेई चरणजीत सिंह से फोन पर व उन्हें लिखित रूप में शिकायत भी दी गई, लेकिन हर बार ऊपरी तौर पर समस्या का समाधान हुआ और कोई पक्का हल नहीं निकाला गया। तो वहीं निगम में भी इस संबंधी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो लोगों ने नीचे ही पानी के वाटर कूलर लगवाए। इस दौरान इलाकावासी दीपक ने बताया कि इलाके की 8 गलियों में से सिर्फ 4 गलियों में ही पीने का पानी आता है। उनके साइड की जो 4 गलियाँ हैं उनमें पानी नहीं आ रहा। इस सिलसिले में शिकायत भी दी गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जब नगर निगम से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने प्राइवेट पानी के वाटर कूलर मंगवाकर पानी पीना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने उच्च प्रशासन से उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल करवाने की मांग की है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम फिरोज कुमार जी। कितने रहते हो? न्यू इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 1। हाँ जी, की दिक्कत आ रही है तुहानू? सर जी, दिक्कत तो बहुत है जी, की दसिए जी। पानी की समस्या भी हैगी आ, साडी सीवरेज की भी समस्या हैगी आ। सीवर घटो घट 2-3 महीने हो गए आ, ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬਲੋਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੱਕਾ ਡੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਟਾ ਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਨਿਕਲਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਗਰਟ ਬੱਤੀ ਪੀ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾੜੀ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਟੂਟੀਆਂ ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ 2 ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।